आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास जो है आरंभ हो रहा है 25 जून 2021 से, लगभग एक महीना रहता है और साथ ही साथ जो समापन होगा इसका 24 जुलाई 2021 को होगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर जो पूर्णिमा मनाई जाती है वो होती है गुरु पूर्णिमा। इसके साथ ही साथ इस महीने का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। वहीं पर इस समय से यानी इस महीने से आषाढ़ महीने से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो समय होता है एक तरह से मौसम में बदलाव लेकर के आता है। ये महीना बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं इस महीने में मंगल की उपासना और सूर्य की उपासना करने से आपकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल जो आपको अशुभ प्रभाव दे रहा हो वो आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। साथ ही साथ सूर्य भी आपको अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो ये भी आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। इस समय पर इन दोनों ही ग्रहों की पूजा आराधना करने से कहीं ना कहीं आप ऊर्जावान हो जाते हैं, क्योंकि आषाढ़ मास जब शुरू होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, ये सब चीजें जो है उभरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा पाचन शक्ति में जो है यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा हैजा जैसी काफी इस तरह की बीमारियां जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं वो इसी महीने में उभर के आती हैं। इस समय पर जल पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मगर जल को भी बहुत ध्यान से पीना चाहिए। इस समय पर जल उबाल करके पिए या प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर पिए, क्योंकि इस समय पर जल से ही जुड़ी हुई हमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय पर जल वाले फल आहार खाने चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा रस हो, जैसे तरबूज है, खीरा है, आम है, इसके साथ साथ अलग अलग तरह के इस तरह के जो फल हैं वो उनका सेवन हमें करना चाहिए। वहीं पे ये जो महीना होता है किसानों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो इसी समय से आरंभ होता है, तो किसानों के लिए ये महीना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वहीं पे इस समय पर ये जो महीना होता है अगर देखा जाए इस महीने में पाठ पूजा करने से आपको बहुत अधिक लाभ होते हैं, क्योंकि इसी महीने में यानी आषाढ़ महीने में ही आरंभ हो जाते हैं गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रों के लिए पूजा आराधना करना यानी गुप्त नवरात्रि में पूजा आराधना करना, जो लोग तांत्रिक साधना की प्राप्ति करना चाहते हैं या तंत्र क्रियाओं पर विश्वास रखते हैं उनके लिए ये महीना बहुत ही खास माना जाता है। इस समय पर जो भी आप मनोकामना करते हैं किसी भी चीज की, वो सभी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। इस समय पर भगवान विष्णु जी की उपासना करना खास होता है, मगर इसी महीने से ही, क्योंकि देव शयनी एकादशी जो है वो इस महीने से मनाई जाती है, इस महीने में मनाई जाती है, और इसी महीने से चतुर्मास भी लग जाता है यानी आने वाले 4 महीनों तक के लिए, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, जब तक देव उठनी एकादशी ना हो जाए कार्तिक मास में, तब तक 4 महीनों के लिए हर एक मांगलिक कार्य जो है वो वर्जित हो जाता है। तो ये जो समय रहता है इन 4 महीनों का यानी आषाढ़ से लेकर के कार्तिक का जो समय रहता है, ये समय केवल ध्यान पाठ पूजा आराधना के लिए होता है। साथ ही साथ तीर्थ यात्राओं पे अगर आप तीर्थ जाना चाहते हैं, तीर्थ स्थानों पे अगर आप भ्रमण करना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत खास होता है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने का जो नाम रखा गया है वो पूर्वाषाढ़ा और साथ ही साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में ही, ये जो दो नक्षत्र होते हैं चंद्रमा, इन दोनों नक्षत्रों के बीचों बीच होता है इस मास की पूर्णिमा तिथि पर। इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस मास की यानी आषाढ़ मास की जो तिथि होती है पूर्णिमा तिथि, इसका भी अपना महत्व होता है। गुरुजनों की पूजा करना इस दिन बहुत खास होता है, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं ये महीना बहुत खास है, इस महीने में दान करना बहुत खास है, ध्यान लगाना बहुत खास है। तो इस महीने में नमक दान करना, तांबा दान करना, कांसा दान करना या फिर किसी भी तरह का मिट्टी का पात्र दान करना, वहीं पे अलग अलग खाने की चीजें जैसे गेहूं है, गुड़ है, चावल है, तिल है, इन सब चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो और भी ऐसे ही विषय लेकर